से जमानत नहीं मिली। प्रचार करना ना मौलिक ना ही कानूनी अधिकार। ऐसा नहीं है कि किसी राजनेता को अंतरिम बेल मिल जाए तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पिछले 5 साल में 123 इलेक्शन हुए हैं। अगर चुनाव में प्रचार के आधार पर नेताओं को जमानत दी जाने लगी तो ना तो कभी किसी नेता को गिरफ्तार किया जा सकेगा और ना ही उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकेगा, क्योंकि देश में हमेशा कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं। चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को कोई रियायत दी जाती है तो समानता कानून के लिए अभिशाप होगा। आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अपनी राय दी थी। ईडी ने केजरीवाल को बार बार समन जारी किया था, लेकिन केजरीवाल हाजिर नहीं हुए थे। इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें, ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद से केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की शरण में है। लेकिन अब देखना यह होगा कि कल यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाता है। केजरीवाल जेल में ही रहेंगे या उन्हें अंतरिम जमानत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।